इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर में विज्ञान दिवस के अवसर पर दो दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के पहले दिन तीन चरणों में साइंस से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विशेष रूप से साइंस क्विज, दैनिक जीवन में प्रयोगात्मक विज्ञान का महत्व एवं विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी एवं विज्ञान प्रतियोगिता में टीम्स गीडा, माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी बख्शीपुर, गोरखपुर तथा सेठ एम आर जयपुरियार गीटा के छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी की प्रधानाचार्य श्रीमती रुमाना जबी ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेठ एम आर जयपुरियार कॉरपोरेट ऑफिस लखनऊ के वरुण चतुर्वेदी ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से अवश्य ही छात्रों के मन में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा को नया आयाम प्रदान होगा। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर गोरखपुर के प्रबंधक शुएब अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम सभी सर सी वी रमन की याद में मनाते हैं। उन्होंने बताया कि सर सी वी रमन ने देखा कि समंदर का पानी नीला है तो क्यों नीला है, इस संबंध में उन्होंने शोध करके अपनी बात को सिद्ध भी किया। उन्होंने बताया कि सर सी वी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार तथा सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विज्ञान प्रश्नोत्तरी में जूनियर वर्ग में सेठ एम आर जयपुरिया गीडा गोरखपुर के छात्रों ने बाजी मारी, जबकि सीनियर वर्ग में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर गोरखपुर के छात्रों ने विजय प्राप्त की। इस अवसर पर कार्यक्रम के समन्वयक तनवीर फातिमा ने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना ये हमारी पहली कोशिश थी, उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इससे भी अच्छा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष रूप से डॉक्टर डी एन मिश्रा, मिस गरिमा मिश्रा, सैयद नाजिया, अभिषेक कुशवाहा, डॉक्टर आर एस एस यादव, अनुपमा शुक्ला, शर्जील लारी, मंजुला, मिस आशी लुबना इतरत, मिस बुशरा रिजवी, नुरैन मुश्ताक, नेहा सिंह समेत काफ़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति एवं विद्यालय के स्टाफ उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के समन्वयक तनवीर फातिमा एवं इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक शुएब अहमद ने कहा। Thank you.
find out that gets settled down in the water. After that, we take the powder for the tablet and put it in there. The tablet forms. Ma'am, first we fill the granules in this guy cavity, and then we rotate. The upper punches compresses the tablet, and the lower punches then ejects the tablet and this tablet manufacture. Black box, cancer block. जैसे जैसे cancer इसको grow करता चला तो बाकी सारे सब उसके सोच में cancer बैठता है, cancer बैठता नहीं है, tumor बैठता है और cancer फैलने लगता है. अब ये चीज आज के टाइम में अगर आपको मेडिसिन होती है उसमें क्या करते हैं सर्जरी करते हैं तो ये बातें कैसे कैसे फैला सकते हैं बहुत ज़्यादा छः सात महीने लग जाते हैं आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन नैनी टेक हम उस पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा उसकी ट्रीटमेंट करा देते हैं वो प्योर जाते थे जहाँ पे कैंसर है वो ड्रग टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम से कहते हैं जहाँ पे कैंसर है फर्स्ट उससे सेकेंड स्टेज फर्स्ट थर्ड स्टेज ये मैटर नहीं करेगा जबकि एलोपैथी में थर्ड स्टेज के बाद कैंसर को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लेकिन नैनोटेक की मदद से हम फोर्थ स्टेज में उसको ऑपरेट करें और बाकी सारे प्रॉपर ये बॉडी से एक्सीट आउट हो जाता है जो कैंसर में सेल बनाते हैं अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एयराइज होता है कि बॉडी में हर जगह नैनो पार्टिकल जाएगा ब्लड में तो नैनो पार्टिकल बनाकर कैसे करेंगे यहाँ पे एक आ जाता है गोल्ड नैनो अगर हमारे बॉडी में इस पर्टिकुलर जगह पर ट्यूमर है ब्लड में नैनोटेक चला गया तो यहाँ पे हमें रेडिएशन है अब रेडिएशन की वजह से सिर्फ इस एरिया में जो नैनो पार्टिकल्स हो वो आप कैसे होंगे और यहाँ के कैंसर सेल्स बनाएंगे और हमारे बॉडी के मास सेल्स नष्ट करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट है एंड इन फ्यूचर वी विल सी Fish table does not have lead. अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो साइंटिफिक मतलब साइंस के वर्ड फॉर्मेशन का है वैसे नहीं होगा ना वो तो प्रॉपर ये वाला क्वेश्चन हटा ही मिसेस तनवीर फातिमा इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर गोरखपुर में केमिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आज हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं इस टीम की कोऑर्डिनेटर हूँ इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट कर रहा है सर चंद्रशेखर वेंकटरमन दैट इज़ सी वी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज के लिए मनाया जाता है सर सी वी रमन को इसी खोज के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हर वर्ष भारत सरकार नई नई थीम देती रहती है इस वक्त हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में एक थीम लॉन्च की जो थीम ऑफ द ईयर है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इस फील्ड इस थीम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने साइंस इस नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है साइंस क्विज साइंस मॉडल एंड साइंस एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पर एक इंटेंस्टिट्यूट कॉम्पिटिशन कराया जा रहा है और इसमें इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के साथ साथ इसकी सिस्टर्न कंसर्न तायरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गीडा
सेट एम आर जयपुरिया स्कूल गीडा एंड माउंटेरा इंटरनेशनल एकेडमी गीडा माउंटेरा इंटरनेशनल एकेडमी बख्शीपुर गोरखपुर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेशनल साइंस डे कराने का जो मोटो हम लोगों का है वो ये है कि बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ें और साइंस की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। और बहुत मैं थैंकफुल हूँ अपने मैनेजर मिस्टर शुएब अहमद सर की, इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मैनेजर शुएब अहमद सर की, जो सर ने हम लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी और ये इस नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू। आज हम लोग गोरखपुर इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग सी वी रमन साहब ने जो एक इफेक्ट बनाया था रमन इफेक्ट्स, उसके उपलक्ष्य में उनको भारत रत्न भी मिला और ऑस्कर का फर्स्ट एशिया के पहले साइंटिस्ट थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला। तो आज के दिन में नेशनल साइंस डे है, तो नेशनल साइंस डे को गोरखपुर में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा 21 तरीके की प्रस्तुति दी जा रही है, जिसमें बच्चों को साइंस रिलेटेड क्विज, साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट और साइंस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स का एक उनको प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। युवाओं में ये संदेश देना चाहिए, आज के बच्चे जो हैं वो जो साइंस से रिलेटेड हैं और जो साइंस से रिलेटेड हैं उनको साइंस की महत्ता के बारे में बताना है। सी वी रमन साहब ने 1921 में जब यूरोप से वापस आ रहे थे हिंदुस्तान, तब जब वो शिप के डेक पे खड़े थे तब उनको लगा कि ये समंदर नीला क्यों है। साइंस का मतलब है कि नई नई क्वेरीज, नए नए सवाल आपके दिमाग में हों और उसका आंसर आप खोजें। इस सवाल का जवाब खोजने में उनको 7 साल लग गए कि समंदर नीला क्यों है। पहले की जो थ्योरी थी विलियम रेले साहब की, उनके ये थी कि चूंकि आसमान का कलर नीला है तो उसके प्रतिबिंब के रूप में साइंस ये समंदर का कलर भी नीला होगा, लेकिन वो इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते थे और इस बात को नहीं मानते थे। तो 7 साल उन्होंने किया, 7 साल की कठिन प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये रमन लॉ, रमन वेवलेंथ के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद रमन लॉ के बनने के बाद आज की डेट में जो हमारे ये जितने आप देखिएगा जो उस पर टर्मिनल्स पे एयरपोर्ट पे जो स्कैनर होते हैं वो सब इसी फिलॉसफी से वर्क करते हैं। इसी फिलॉसफी को वर्क करके आज की डेट में जो चंद्रमा पे हम लोगों ने पानी खोजा है वो भी इसी तर्ज पर है। तो सी वी रमन साहब की 7 साल की तपस्या के बाद 28 फरवरी 1928 को ये रमन इफेक्ट प्रभाव में आया, जिसके लिए उनको एशिया के प्रथम साइंटिस्ट थे जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि वो फिजिक्स के इतने बड़े लेक्चर थे, एशिया के प्रथम थे जिनको इस तरीके का नोबेल प्राइज़ मिला। इससे पहले हमेशा नोबेल प्राइज़ वेस्टर्न मुल्क के लोगों को मिलता था। इसके बाद भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। 1986 में भारत सरकार ने सोचा कि इनके नाम को एक साइंस डे के बारे में सोचा जाए, तो 1987 को फॉर्मली जो है भारत सरकार ने गजट किया कि 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में मनाएंगे। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स उसी दिशा में बढ़ते हुए, चूँकि इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स कॉमर्स का एक विख्यात कॉलेज है पूर्वांचल का, लेकिन यहाँ 18 साल से साइंस भी पढ़ाई जाती है। इसके सहयोगी संस्थान ट्रिम्स में जहाँ भी फार्मा एंड इनफार्मा होता है वहाँ के बच्चे भी साइंस ग्रेजुएट ही होते हैं, उनके साथ मिल करके और माउंटेरा और जयपुरिया छोटे बच्चों में इस तरीके से इंकरेज करना कि साइंस से वो कुछ सोचें, सवाल करें, कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाएं। और आपने देखा होगा बाहर जो लोगों ने प्रोजेक्ट लगाया है वो अपने आप में मिसाल है कि इतने छोटे बच्चे क्लास 3rd, 4th, 5th के कुछ इस तरीके से प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जो है आने वाले दिनों में भविष्य में भारत के लिए अच्छे साइंटिस्ट होंगे, भारत के लिए नई नई खोज करेंगे और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे।